institution with moral values, the only institution with our latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur. जहां पूरे देश में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं निवाड़ी के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द इस हमले का जवाब देना चाहिए। इसके लिए लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया, जो नगर परिषद निवाड़ी से होते हुए अम्बेडकर चौराहे से वापस होता हुआ गांधी चबूतरा पहुंचा, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान विधायक अनिल जैन, भारतीय आर्य सहित काफी संख्या में जन समुदाय उपस्थित रहा। इस दौरान आम जन पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। इसके अलावा नगर वासियों ने पाकिस्तान के प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंक दिया। विधायक अनिल जैन ने कहा कि अब पाकिस्तान को समझाने की नहीं बल्कि इनके सर कुचलने की आवश्यकता है और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब गोली से देने की जरूरत है। नरसंहार पाकिस्तान के द्वारा, जैसे मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा जो एक घिनौना कृत्य भारत की इस धरती पर किया, और निश्चित रूप से ये जघन्य जो हत्याकांड हमारे सैनिकों के साथ किया, ये बहुत निंदनीय भी है। और आज इस दुख की घड़ी में सारे नगर निवाड़ी के लोगों ने, पूरे विधानसभा के लोगों ने श्रद्धांजलि का उनके परिवार के प्रति, जिन्होंने अपने सपूत खोए, जिन्होंने अपने बेटे खोए, ऐसे माँ के बेटा, ऐसे पत्नी के पति, ऐसे बच्चों के पिता, जिन्होंने अपने पिता को अभी पहचाना भी नहीं, ऐसे लोगों की निर्दयी जो हत्या हुई वो निश्चित रूप से बहुत कारायणी, एक बहुत खराब कार्य जो पाकिस्तान के लोगों ने किया। मैं निश्चित रूप से ऐसे लोगों को चेतावनी भी देना चाहता हूँ। और कल जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का झांसी आगमन हुआ, तो आप लोगों ने सबने सुना भी होगा कि उन्होंने कहा है कि देश के इन गद्दारों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, अपने देश के सपूतों के बलिदान का एक एक टुकड़े का हिसाब लिया जाएगा। और आज जैसा आप लोगों ने देखा कि आज पूरा नगर आक्रोश में है और जनता पूरे देश में, आज कोई राजनीति की बात नहीं, कोई दल की बात नहीं, कोई आज सारे हिंदुस्तान एक इस मोर्चे पर खड़े हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि देश के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब समय आ गया कि इनको ईंट की ईंट का जवाब पत्थरों से देने का नहीं, इनका सिर कुचलने का समय आ गया। निवाड़ी से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।